नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में। और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। पाकिस्तान के सीज फायर में शहीद हुए 23 साल के कैप्टन कपिल का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव के शमशान में देर रात करीब 10 बजे हुआ। भाई विवेक कुंडू ने उन्हें मुखाग्नि दी। कैप्टन कपिल के शौर्य का जितना बखान किया जाए उतना कम है। उन्हें कविताएं लिखने का बड़ा शौक था। वह अपनी बहनों को अपनी दिल की बातें कविताओं के जरिए बयां किया करते थे। अब उनकी एक आखिरी कविता सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कमी नहीं है मेरे मुल्क में उस पर मर मिटने वालों की। बता दे कि कपिल कुंडू गुड़गांव जिले में रनसिका गाँव के रहने वाले थे। कैप्टन कपिल कुंडू इन दिनों जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में तैनात थे। बताया जा रहा है कि कपिल का हाल ही में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2018 को कैप्टन के रूप में प्रमोशन हुआ था। इसके बाद 3 दिन पहले ही उन्होंने आखिरी बार अपनी मां से फोन पर बात की थी। अब न सिर्फ 10 फरवरी को कपिल का 23वां जन्मदिन था, बल्कि प्रमोशन के बाद पहली बार घर आना था। इन दोनों खुशियों को उनकी शहादत की खबर ने गमगीन बना दिया।